यूं तो रिजर्वेशन पर कई सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं। इवन 670th बीपीएससी ये क्यों नहीं अपना फॉर्म निकाल रही है, इसमें रिजर्वेशन एक कारण हो सकता है, ये वाली वीडियो भी हमने बना रखी है। रिजर्वेशन का जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है। पर आज क्या हुआ है, बिहार गेजेट निकला है। इस बिहार गेजेट में क्या बोला गया है, जो बिहार की एक जाति है ताती ततवा, उसको क्या किया गया है, शेड्यूल कास्ट से निकाल करके उसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि बिहार सरकार को ऐसा करना चाहिए। यह पूरा मुद्दा क्या है, बिहार गेजेट में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, ये जानने से पहले हम इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करने की बात करते हैं। देखो भारत के संविधान में क्या है, एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 341, है ना, आर्टिकल 341। इस आर्टिकल के तहत क्या होता है कि जो कैटेगरीज होती हैं, जो रिजर्वेशन की कैटेगरीज होती है, अब रिजर्वेशन की कैटेगरीज बोले तो क्या, सीधा सीधा ईबीसी, ईबीसी छोड़ो, मतलब ठीक है बिहार में है तो ओबीसी जिसको कह लो, एससी जिसको कह लो, एसटी जिसको कह लो, ठीक है, ये सब क्या है, इन सब बेसिस पर क्या होता है, आपको बिहार में रिजर्वेशन मिलता है या कहीं पर भी आपको यहां पर रिजर्वेशन मिलता है। क्योंकि ये मामला बिहार के केस में, इसलिए कई बार मैं बिहार बोलूंगा, पर ऐसा नहीं है, एससी एसटी सेंटर में भी होते हैं। तो यहां पर देखो क्या है कि ये 341 वाली जो बात है, इसके तहत ये बोला गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना, 341 प्रेसिडेंट से डील करता है, अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी एक राज्य में कोई एक जाति, कोई एक वर्ग, कोई एक समुदाय, कोई एक रेस, कुछ भी, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई एक कम्युनिटी, कुछ भी, कोई भी बेसिस उसका कुछ भी हो सकता है, अगर उस समूह के लोग पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको रिजर्वेशन लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है, आप उसको रिजर्वेशन लिस्ट में डाल सकते हो। ये क्या है, आर्टिकल 341 का प्रावधान है। लेट सपोज अगर प्रेसिडेंट को लग जाए कि एक जाति है ताती ततवा, ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर लग जाए कि ये जो ताती ततवा है वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इनको शेड्यूल कास्ट में डाल दो, तो वो शेड्यूल कास्ट में डाल दिया जाएगा। प्रावधान क्या है कि प्रेसिडेंट जो है उस राज्य के गवर्नर, उस राज्य के गवर्नर से पूछ पाछ के ये सारी चीजें करेगा, समझ रहे हो, ये बेसिक जो नियम है आर्टिकल 341 का वो यही है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया, 2015 के आसपास या 15 में ही, दो दिसंबर को आपका वो लिस्ट जारी हुई थी, 2 दिसंबर 2015 को, 1 दिसंबर को ये फैसला आया था। तो इसमें उन्होंने क्या किया, बिहार सरकार ने बिना इनके कंसेंट के, प्रेसिडेंट को इस मामले में लाए हुए, बिना गवर्नर को इस मामले में लाए हुए, बिना पार्लियामेंट को इस मामले में लाए हुए, ताती तत्वा को क्या किया, एससी कैटेगरी, एससी रिजर्व्ड लिस्ट में डाल दिया, एससी बोले तो शेड्यूल कास्ट। इस जो ये जो प्रावधान आपको यहां पर दिख रहा है, इस प्रावधान में नियम क्या है, इस नियम को समझना, नियम वही है कि प्रेसिडेंट को लगेगा, प्रेसिडेंट गवर्नर से बात करेगा, इन दोनों की सहमति हो जाएगी तो पार्लियामेंट कानून पास कर देगा। अब यहां पर देखो तीन स्टेक होल्डर है, एक तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, ये तीनों स्टेक होल्डर है यहां पर, है ना, मतलब ठीक है मेजर तो प्रेसिडेंट ही है, प्रेसिडेंट इनिशिएट करेंगे तो गवर्नर, इन दोनों की सहमति होगी तो पार्लियामेंट, मतलब नियम तो पार्लियामेंट में ही बनेगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं बनाएंगे। अगर ऐड करना होगा उसको, उसको एडिट करना होगा उस लिस्ट को, तो वो जो मुद्दा है वो इनके हाथ में होगा, इन इस पर्टिकुलर मतलब संसद के हाथ में होगा। लेकिन जब बिहार सरकार ने इसको ऐसा किया, ठीक है, बिहार सरकार ने जब ये सारी चीजें की, तो बिहार सरकार ने ना तो प्रेसिडेंट से पूछा, ना गवर्नर से पूछा, ना पार्लियामेंट में ऐसा कोई मुद्दा उठा। अब इस केस पर सुनवाई होने लगी, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 341 का हवाला देते हुए ताती तत्वा रिजर्वेशन जो कंटिन्यू हो रहा था, उस रिजर्वेशन को ही क्या किया, एनल कर दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। तो वही चीज, ये पूरा जो मुद्दा है, ये किस तरीके से बीपीएससी के जो सीट जो अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है, और अगर अब तक नहीं आई है तो देर आर वेरी लेस चांसेस आर वेरी लेस कि वो 30 सितंबर को एग्जाम ढंग से कंडक्ट करवा पाएंगी, ठीक है, वो 30 सितंबर को ढंग से एग्जाम कंडक्ट करवा पाएंगी। अब लोगों को ये दिक्कत होगी कि भाई अब तो यूपीपीसीएस के साथ कहीं वो क्लैश ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें चुनना पड़े, वेदर इट इज बीपीएससी और यूपीपीसीएस, जिनको दोनों एग्जाम देना है उनके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगी। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उस वीडियो में हम वही डाउट, प्रिपरेशन रिलेटेड, स्ट्रेटेजी रिलेटेड, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे,
ठीक है। तो यहां पर एक मुद्दा यह भी आ रहा है, अब देखो इस बिहार गेजेट में, ये जो बिहार का जो गेजेट आया है इसमें क्या बोला गया है, कैसे कैसे बात की गई है, वो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आर्टिकल 341 आप समझ गए हो तो आपको इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। तो ये बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है, 12 अगस्त 2024 को आज के दिन इसको प्रकाशित किया गया है। अब देखो यहां पर क्या होता है, इसके जो प्रेषक हैं वो रजनीश कुमार सरकार के संयुक्त सचिव हैं, वो सचिव के पद पर हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने इन सब को टैग कर करके, आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, यहां पर एक गैजेट जारी किया है। इस गैजेट की विषय सूची क्या है, तो गैजेट की विषय सूची यही है, ताती तत्वा रिजर्वेशन लिस्ट से रिलेटेड है, आप इस बात को यहां पर समझ सकते हो। देखो इसमें जो मेन मुद्दा क्या है ना, सबसे पहली बात तो 1/7/2015, 2/7/2015, सॉरी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिसंबर बोला था, ये दिसंबर नहीं है, ये जुलाई का महीना है ना, वो जुलाई का महीना है, थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूजन हो गई थी। अब देखो यहां पर क्या है, 1/7/2015 और 2/7/2015 में ये सारी चीजें सामने निकल करके आई थी, और इसमें ये बोला गया था एडिशन में कि जो ताती तत्वा जाति है वो काफी पिछड़ी हुई जाति है, उसको अनुसूचित जाति में हमें डालना होगा, उसको हमें शेड्यूल कास्ट वाले सीन में हमको डालना होगा। पर यहां पर संविधान ऐसी कोई पावर किसी भी राज्य सरकार को नहीं देता है, संविधान ऐसी पावर हमेशा प्रेसिडेंट को देगा, है ना, ये प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो बिहार सरकार ने क्या किया, अपने मन से इसको एडिट कर दिया और ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या हुआ, सिविल अपील हुई, ठीक है, सिविल अपील हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार वर्सेस राज्य सरकार, क्योंकि अगर तांती तत्वा शेड्यूल कास्ट में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी शेड्यूल एग्जिस्टेड शेड्यूल कास्ट है उन वहां पर कॉम्पिटिशन ज्यादा टफ हो जाएगा, तो वो अपने रिसोर्सेस को बांटना, रिसोर्सेस कहने का मतलब अगर आपको कोई सीट मिल रही है रिजर्व्ड कैटेगरी में वो भी आपके लिए रिसोर्सेज हुई, अगर आपको खाना मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अगर आपको अनाज मिल रहा है वो भी एक तरीके का क्या हुआ, एक रिसोर्स ही हुआ, ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो इन्होंने केस कर दिया। अब ये जो केस जो इन्होंने फाइल किया था उसका जो अपील संख्या 188/02/2017, तो ये यहां पर हुआ था। अब यहां पर बेसिकली क्या हुआ था कि ये इसके अगेंस्ट में था कि आप किस तरीके से ताती तत्वा को एससी कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अब ये सारी बातें हुई थी, बेसिकली नहीं डालना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया तो इसमें यह बोल दिया गया कि बिहार सरकार ने बिल्कुल गलत किया है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपको करवाना है तो अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन एडवाइज प्रेसिडेंट और यू कैन एडवाइज गवर्नर, गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलेगा, प्रेसिडेंट गवर्नर मिलकर के पार्लियामेंट को बोलेंगे, तब जाकर के वो लिस्ट एडिट होगी और फिर वो आएंगे, आपके हाथ में ये पावर नहीं है। तो बिहार सरकार को एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर बता दिया था। अब देखो इससे आपके एग्जाम में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो जो रिजर्वेशन का मुद्दा आपके एग्जाम में चलेगा बीपीएससी में, उस रिजर्वेशन में क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो इसमें यह आएगी कि ये जो जनरल कैंडिडेट जो है, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं और जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, इनको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अनटचेबल अनटच्ड रहेंगे इन सब चीजों से। पॉजिटिव किसके लिए होगा, तो जो सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस और शेड्यूल ट्राइब, ये तीनों कैटेगरीज जो होंगी, और कह लो विमेन भी, लेकिन विमेन का रिजर्वेशन सिस्टम थोड़ा सा अलग है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चीजों में उनको देखा जाता है, तो वो इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वो समझाना पड़ जाएगा। अब यहां पर क्या है, शेड्यूल ट्राइब जो है वो एक्सक्लूडेड रहेंगे। आप समझने के लिए मान लो कि इनकी विमेन भी इनके साथ ही है, ठीक है, प्लस विमेन ऑफ ऑल दिस कैटेगरीज। अब उसके बाद देखो, अब जो मुद्दा यहां पर चलेगा वो ओबीसी का चलेगा और प्लस शेड्यूल कास्ट का चलेगा। जैसे ही ताती तत्वा हट जाएंगे शेड्यूल कास्ट का कंपटीशन कम होगा और इनके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन ओबीसी के लिए ईबीसी के लिए क्या होगा, एक तो पॉपुलेशन वैसे भी ज्यादा है, ऊपर से ये लोग भी अब इसी कैटेगरी में फाइट करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, रिसोर्सेज के लिए या कट ऑफ के लिए कह लो अपनी सिंपल भाषा में, वो उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे यहां पर, तो इनका नुकसान होगा, इनका फायदा होगा, ये सारी बातें हैं। तो क्या अब जो 2015 में ये चीज हुई थी, अब 2015 से लेकर के अब 2024 चल रहा है, क्या 2015-2024 के बीच में जो लोग वहां पर सेलेक्ट हो गए, जिन लोगों ने उस रिजर्वेशन का फायदा ले लिया, क्या अब उनको निकाल दिया जाएगा, तो उनको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है, उनको निकाला नहीं जाएगा। ऐसे चांसेस है ना कि उन लोगों ने एससी शेड्यूल कास्ट से फॉर्म भरा होगा, लेकिन चांसेस है ना कुछ जनरल से क्वालिफाई कर गए होंगे, कुछ ओबीसी वाले कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए होंगे, ऐसा
ऐसा मतलब ओपन सीट से कुछ क्वालिफाई कर गए होंगे, ठीक है। तो अगर वैसे कुछ लोग हैं जो ताती ततवा होने के बाद भी इन सब रिजर्व लिस्ट में आते हैं, क्योंकि ओबीसी, देखो ओबीसी में डायरेक्टली नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी, वर्टिकल में भी नहीं होता है, लेकिन यहां पर बिहार में क्या है, क्रिमिनल क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट है। अगर वीडियो में बोलोगे तो पूरा रिजर्वेशन पर डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि इस केस में ये पॉसिबल है। अब देखो यहां पर क्या है, जो लोग इन दोनों कैटेगरी से ऊपर उठे हैं उनको एज इट इज पोस्ट को मेंटेन करना होगा, एज इट इज पोस्ट को मेंटेन। जो इनसे जो जिन्होंने उस रिजर्वेशन के फायदे को लिया है उनके लिए सुपर न्यूमररी पोस्ट या शेडो पोस्ट को बना दिया जाएगा, और बनाने के बाद बैकलॉग को खत्म कर दिया जाएगा। अब बोलोगे यार बैकलॉग और ये वो, अचानक कहां से सुपर न्यूमररी पोस्ट, ये होता क्या है? देखो ये वैसे पोस्ट होते हैं जिसको मतलब एक, जैसे मान के चलो कि आप देखते होगे जब घर में कोई मेहमान आता है उसके लिए अगर मान लो कि चार मिठाइयां लाई जाती है, चार लोग आ रहे हैं, चार लोगों के लिए चार मिठाइयां लाई गई, तो एक मिठाई एक्स्ट्रा लाई जाती है इमरजेंसी केस में, अगर ऐसा कुछ हो गया तो उस एक मिठाई का यूज कर लिया जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसी को सुपर न्यूमररी पोस्ट कहा जाता है। मिठाई को यहां से हटा दो और पोस्ट से रिप्लेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके सुपर न्यूमररी मिठाई, ये सुपर न्यूमररी पोस्ट कहलाएगा। तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट जिसकी वैकेंसी सरकार ने नहीं निकाली है लेकिन मजबूरी में पोस्ट को एक्स्ट्रा बना देना पड़ रहा है, उसको हम लोग सुपर न्यूमररी पोस्ट बोलते हैं। अब इस पोस्ट पे कौन जाएंगे, तो इस पोस्ट पे वो तांती तत्वा लोग जाएंगे जिन्होंने एससी कैटेगरी को यूटिलाइज किया है सर्विस को लेने में। अब ये करेंगे क्या यहां पर आकर के, तो सरकार का कोई भी एक्स्ट्रा काम होगा तब तक यही वो काम करेंगे। और जो बैकलॉग की बात हुई थी उसमें क्या होगा कि जो शेड्यूल कास्ट के जो सीट्स 2015 से लेकर के 2024 तक खत्म हुए हैं, खाए गए हैं, वो उनको उसमें शेड्यूल कास्ट की भर्तियां करवाई जाएगी, रिजर्वेशन सीट में शेड्यूल कास्ट की सीट को बढ़ा करके। ये एक बार में नहीं होगा, हो सकता है आने 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, पर होगा यही। और ईबीसी की जो, और जो ईबीसी की जो सीट है ठीक है, उसमें कटौती कर करके इन लोगों को उस ईबीसी के सीट में एडजस्ट किया जाएगा। ये होता है बैकलॉग एडजस्टिंग। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप कमेंट कीजिए। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी को अगर आप एक साथ लेकर के चल रहे हैं तो इन केस इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस हेल्प सपोर्ट, आप प्लीज कमेंट कीजिए, एक स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगी। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।